शादी हमारी हुई थी, लेकिन नजर इन दोनों की देखो कैसे देख रहे, देखो 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 ऐसी नजर है इनकी। ये मेरा कहेगा कोई नहीं खाएगा, दूर रखो नजर अपनी, चलो। इतनी अच्छी चोटी लग रही है, सुबह से रो रहा है। इतनी चोटी दिखा क्यों? बहुत प्यारी चोटी है, बहुत अच्छी चोटी लग रही है। आपको पसंद नहीं है चोटी वाली? इतनी प्यारी चोटी है, किसने करी? हाँ किसने करी, अच्छी है। जल्दी चलो। आज चाय पिलाई पापा को सुबह? अभी पिलाऊंगी, पियो। दो दिन से अभी पिलाऊंगी कर रही हो। मैं टू द वॉक, आज हमारी एनिवर्सरी है, सुबह सुबह हम जा रहे हैं मंदिर। आ जाओ पियो भी, चलो जल्दी। तो हमें इस मंदिर जाने का बहुत टाइम से मन था, फाइनली सुबह सुबह आ गए, पार्किंग में गाड़ी लगाई। एंड व्हाट बेटर डे कि माता नानी का आशीर्वाद ले इतने स्पेशल दिन पे, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा ऐसे बना रहे। पापा मम्मी भी आए थे, उनका भी बहुत मन था, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग मंदिर होके आए, मम्मी ने कहा पंडित जी इनको आशीर्वाद दीजिए, इनकी शादी की सालगिरह। तो पंडित जी ने दो माला दी, कहते एक दूसरे गले में डाल दो, दोबारा शादी हो गई। माता रानी के सामने हो गई। तो वी आर टेस्टिंग, तो ये हमारा पास सैंपल है, ये हमने फाइनल किया है। तो उसको जो पास करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल सैंपल। अब इसके अगेंस्ट जो भी नया बन के आता है उसको टेस्ट करते हैं। तो एक नया बनाया है, पहले इसको पियेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे बॉडी में, पेट में कैसा जा रहा है, फिर एक घंटे बाद ये पियेंगे। पापा के आशीर्वाद देना ऑफिस में, ठीक है? ओके चलो जाओ छोटे भगत हमारे। Hours later. ये कितना खुश हो रही है। पीयू को नहीं मिलेगा, पीयू को नहीं मिलेगा। पीयू नीचे। किसका केक है ये? मम्मा पापा का। मम्मा का है? मम्मा पापा का। मम्मा पापा का केक क्यों है ये? क्यों लाए हम? क्योंकि हमारी आज के दिन शादी हुई थी। क्या हुई थी? शादी हमारी हुई थी, लेकिन नजर इन दोनों की देखो कैसे देख रहे, देखो 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 ऐसी नजर है इनकी। ये मेरा केक कोई नहीं खाएगा, दूर रखो नजर अपनी, चलो। ये निकाल के मुंह दिखा, खा गए हमारा केक। शाबाश बेटा। थोड़ी चाय कहाँ है पापा की? कहाँ है? लेके आओ। ये देखो तो चढ़ के ऊपर। देखो चलो नीचे चलो। नहीं मिलेगा वहाँ से। ओके। काट दिया ले पेहड़ी। आज अर्शी का सुबह मोए मोए हो गया। बताओ क्या हुआ सुबह तुम्हारे साथ? अर्शी आज सुबह तैयार होकर चली गई स्कूल में। अर्शी को लगा आज एनुअल डे है। और मम्मा ने रशि को तैयार करके भेज दिया, और रशि सोच रही थी पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही तैयार होके आई हूँ, बाकी बच्चे तैयार क्यों नहीं होके आए। रशि क्या सोच रहे थे आप? मुझे लगा कि आज जन्मदिन नहीं है। नहीं पता चला सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में, रशि अलग ड्रेस में। फिर आपने क्या बोला? ये ड्रेस पहन के स्कूल में, व्हाइट वाली। अच्छा व्हाइट और ब्लैक पहनना था। ओ मोए मोए। पिहुड़ी आपको केक खाना है? नहीं। वेरी गुड, केक नहीं मिलेगा आपको। पहले चाय लेके आओ पापा के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू मम्मा। अगर हम दोनों की शादी नहीं होती तो तुम दोनों टिकट टुकड़ नहीं निकलते। बात तो सही है। केक चाहिए? फिर क्या चाहिए? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दीदी ने इसका केक ले लिया, रो रही है। आज मैं दिलवाऊंगा, आओ, आओ। मेरी चाय देगा? मेरी चाय बनाएगा इसके बाद? नो। बैठ के खाएगा? हमारे साथ बैठ के नहीं खाएगा? टेस्टी है। अरे बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती, ये देखो इतना सा बचा है बच्चा, ये देखो। वाह पीहू वाह, इतना टेस्टी लगा पीहू? ये देखो दादू। नाक इतना टेस्टी है? तो इतना टेस्टी केक था, नाक पे लग गया आपकी। कल दीदी ने भूत बनाया था ना, वाह वैसे ही बन गए हो। ये हमारी मैडम चाट चाट के खा रही है, ऐसे खाना ना मिलता बच्चों को घर पे हमारे। वाह इतना टेस्टी है कि उससे मन नहीं मानता। इतना टेस्टी क्या बताऊं। क्या देख रहे हो पियू? सिया के लाम चले। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है क्या? अश्वमेघ यज्ञ राम जी का घोड़ा है। अश्वमेघ यज्ञ होता है, जितने भी चक्रवर्ती राजा होते थे वो अश्वमेघ यज्ञ कराते थे अपने राष्ट्र की शांति के लिए और बढ़ाने के लिए। वो घोड़ा है, जैसे जब लव कुश हुए थे तो लव कुश ने वाला घोड़ा रोका था, तो राम जी ने दोबारा अश्वमेघ यज्ञ कराया था। तो शुरू में जब कराया था, जब वो वनवास नहीं गए थे, तो तब की स्टोरी है कि यज्ञ कराने के बाद उस घोड़े की बलि देते थे, प्रथा चलती थी। लेकिन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता? क्योंकि उन्होंने सही मर्यादाओं का निर्वाह करके हमें वो चीज सिखाई। उन्होंने कहा कि ये बलि की प्रथा गलत है और वो नहीं देनी चाहिए, और वो उसकी प्रेरणा उनको सीता माता से ही मिली, क्योंकि सीता माता ने कहा था कि ये तो गलत बात है, जो घोड़ा आपके लिए पूरा घूम के आ रहा है उसकी आप बलि दे रहे हैं। तो राम जी ने कहा हाँ,
तो अगर आप डिटेल में रामचरितमानस पढ़ेंगे या फिर ये जो एपिसोड है देखेंगे तो उसमें ये भी बहुत पता चलता है कि सीता माता को जनक ने बहुत प्रेरित किया था शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में जो महिलाएं थी उनको उतना प्रेरित नहीं करते थे, बट सीता माता वॉज वेरी एजुकेटेड एंड वेरी लर्नेड, और तब राम जी को भी लगा हाँ सही कह रही है, उन्होंने प्रथा सेट की। तो उनके पूर्वज थे जो राम जी के, वो थोड़ा था कि यार जो प्रथा चली आ रही है उसको कैसे हम टाल दें, लेकिन राम जी ने फिर कहा नहीं, जो गलत प्रथा है वो गलत प्रथा है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि शादियां भी चार चार करते थे, दशरथ की भी वाइफ ज्यादा थी और भी राजाओं की वाइफ ज्यादा थी, लेकिन राम जी ने स्थापित किया कि घर में अगर एक नारी से ज्यादा है तो घर में अशांति फैल जाती है। तो उन्होंने भी वो मर्यादा सेट की कि नहीं, द करेक्ट इज कि यार वन मैन वन वाइफ। और सीता जी ने स्वयंवर के वक्त पहले भी पूछ लिया था, वो मिले थे वन में, तो उन्होंने पूछ लिया था कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, तो राम जी ने उनको आश्वासन दिया था कि अगर मैं आपसे विवाह करता हूं तो मैं वचन देता हूं कि मैं एक ही नारी के साथ जीवन निर्वाह करूंगा। जो लोग अलग मानसिकता होती है आपको थोड़ा डाउन दिखाने की कोशिश करते बोलते हैं देखिए हर राजा भी इतनी शादी करते थे, बट इसीलिए हम हर राजा को भगवान नहीं कहते, हम राम जी को भगवान कहते हैं क्योंकि वो धरती पे आए थे हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। A few moments later, चलो। ये रहा बैग दीदी, ये बाय कर दो, भाग गई के पूछी करो, चलो दादी वाली दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, दादी वाली चाहिए, दादी वाली बाय मिला बच्चू, बाय मिला बच्चू, पुम्मा तो दे दे, पकड़ लो इसको, पुम्मा तो दे दे, दादी आपने वो भी देगी, लो तुम पड़ोसियों के यहाँ से निकाल निकाल के देती रहो, वाह बाय बाय, दे दो दे दो, रुको भैया रुको, उठा, लो चलो। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, अच्छा काम हमने निपटा लिया, ऑफिस जाके डिस्कशन करते, थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि ऑफिस हमें घर के पास ही ले, मगर ट्रैफिक में एक घंटा हमें गाड़ी नहीं चलानी भाई, यहाँ घर के पास लेंगे तो वो अच्छी बात है, वॉकिंग जा रहे हैं। 2 hours later. हेलो, क्या कर दिया ये? हाँ? और रूम का क्या हाल करा रखा है? मम्मा से जा रही है। तुम क्या कर रहे हो? हैं? मुंह दिखाओ, क्या किया है? मुंह दिखाओ। नहीं, क्या है मुंह में? पेहू टूथपेस्ट खाया क्या? बहुत गंदा होता है पेहू पेट के लिए। पेट में उई हो जाएगी। टूथपेस्ट खाया? फिर क्या किया है? आ करो, पेस्ट खाओगी बेटा? नहीं, गंदा होता है ये। हाँ, गंदा टूथपेस्ट खा रहे हैं। अरे क्या कर दिया है रूम का इन्होंने? एक बार फिर से बोलना। वाह, ओह माय गॉड, वाह, क्या सीन है, क्या देख रहे हो? सिया के राम, सिया 24 घंटे, सिया के राम। ऋषि में एक बात है, ऋषि सीक्वेंस नहीं देखी, अभी ताड़कावाद देख रही है, फिर वो कुंभकर्ण वाद देखेगी, फिर मैं वो फिर वहाँ पे आ जाएगी, सीतारण में आ जाएगी, उल्टा सीधा देखती है, एक्चुअली पूरा देख चुकी है, रिवाइज करती रहती है। हाँ, तुम बोलो, बोलो, यही खड़ा हूँ। पापा वध कर दिया। किसने वध कर दिया? किसने किया? राम जी ने किया है। अभी हमको तो उस टाइम 8 बज गया, लेकिन भयंकर नींद आ रही है, अभी हम सोने की प्लानिंग कर रहे हैं, मम्मा हमको स्टोरी सुना रही है ध्रुपद की। रश्मि, 5 hours later. भाई सही बताऊँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, 8:30 सोया था कि भाई बस 4 बजे करा लो आगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और अपना रूटीन ठीक कर लेंगे, भाई 11:30 हुआ नींद खुल गई यार, झंडा ही रात भर। यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, बच्चे सो रहे, रितु सो रहे, सब मेरे साथ ही सोए थे, मेरी नींद खुल गई भाई, मैं लग गए। लोग जब सोते हैं तो जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, मैं तो उसी दिन उठ गया, अगला 24 घंटे पूरे मेरे, करो दुनिया उठी में, जीत की खुशी, क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा।